रमजान के इस मुकद्दस महीने में मोमिन बंदों द्वारा रोजे रखकर पूरी दुनिया के लिए दुआएं की जा रही हैं। पाक बड़ा के समाज सेवी यामिन पहलवान ने माह रमजान की मुबारकबाद देते हुए कहा, रमजान मुबारक का महीना, अल्लाह ताला हर मोमिन मुसलमान को साल के साल आए, और मेरी अल्लाह से ये दुआ है कि पूरा पाक बड़ा अहले इस्लाम नमाज तरावी और जो कुरान पढ़े हुए हैं कुरान पढ़ें और पूरी अली बस्ती पे दुआएं मगफरत करें कि अल्लाह ताला हमें साल के साल ये मौका आए। और मैं बस्ती वालों से ये कहता हूँ कि भाइयों, अगर कहीं किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे वहीं माफ़ कर देना चाहिए। ये मौका भी रोज़ रोज़ नहीं आता, मौत का कोई पता नहीं किस टाइम मौत आ जाए। और आने वाला टाइम आपको दिख ही रहा है, जो भी टाइम है बड़े सुकून के साथ में हर बवाल से बचना चाहिए। हर आदमी को कोई बवाल नहीं होना चाहिए। त्यौहार त्यौहार होता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम का त्यौहार हो, तो हमें अपना त्यौहार इतनी खुशियों से मनाना चाहिए जो हमें कोई आदमी ये ना कहे कि यार ये गलत काम कर रहे हैं, अच्छा काम हमें करना चाहिए। चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई हो, त्यौहार त्यौहार है, चाहे हिंदू भाइयों का हो या हमारा त्यौहार हो, अपने त्यौहार को ठीक ठाक मनाएं हम। और अहले बस्ती से मेरी ये दुआ है कि अपने बुज़ुर्गों का सिर पर हाथ रहना चाहिए और उनसे दुआएं लेनी चाहिए, और आदमी को नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज के साथ साथ ज़कात भी निकालनी चाहिए, तरावी भी पढ़नी चाहिए, सब काम जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर सौंपा है वो हमें करना चाहिए।